नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राज्य भर में मॉनसून अभी भी सक्रिय है, जिसकी वजह से पिछले दो दिनों से राज्य के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जहां अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी लोगों की परेशानी बना हुआ है। मौसम विभाग पटना द्वारा जारी पूर्वानुमान से आज अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग पटना के अनुसार मॉनसून ट्रफ गंगानगर, नारनौल, ग्वालियर, सतना, डाल्टनगंज, क्योझरगढ़, बालासोर से होते हुए दक्षिण पूर्व से पूर्व मध्य की ओर बंगाल की खाड़ी में जा रही है। वहीं एक पूर्व पश्चिम ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिम राजस्थान से दक्षिण बिहार और दक्षिण हरियाणा और दक्षिण उत्तर प्रदेश के आसपास परिसंचरण क्षेत्र बनाए हुए है, जो कि औसत समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर है। चलिए अब जिलेवार ढंग से देखते हैं आज यानी 23 अगस्त के मौसम का हाल। IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज अधिकतर जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में भी आज अनेक जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ ही स्थानों पर आज बारिश होगी। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ ही जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले के कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। विशेष रूप से राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जहां अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।